आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मेजर चित्रेश को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल आपको बताएं कि मेजर चित्रेश शहीद हो गए थे, बॉम्ब डिफ्यूज करते समय मेजर चित्रेश शहीद हुए थे और ये तस्वीरें हम आपको वहीं पर उसी की दिखा रहे हैं। देहरादून के रहने वाले हैं चित्रेश और मार्च में उनकी शादी थी, शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे लेकिन शायद घर वालों को पता नहीं था कि बेटा अब वापस नहीं आएगा। ये तस्वीरें, अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि दी जा रही है मेजर चित्रेश को। उन्नीस दिन बाद मेजर चित्रेश की शादी भी थी। राजौरी में चार आईडी बॉम्ब में को डिफ्यूज करते समय मेजर चित्रेश ने अपनी शहादत दी। आखिरी बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त ब्लास्ट हुआ जिसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद मेजर चित्रेश जिनकी आखिरी विदाई जम्मू कश्मीर के एलओसी पर शनिवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की ओर से बिछाई गई आईडी को डिफ्यूज करते समय ही एक विस्फोट हुआ जिसमें मेजर चित्रेश पिष्ट शहीद हो गए। 19 दिन बाद उनकी शादी थी लेकिन परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि बेटा अब वापस नहीं आएगा। आखिरी विदाई दी जा रही है मेजर चित्रेश को। ये तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं, देहरादून के रहने वाले थे मेजर चित्रेश। सात मार्च को शादी थी, शादी के कार्ड छप चुके थे, न्योते भेजे जा चुके थे। गमों का पहाड़ टूटा है, गुस्से का अंबार फूटा है, 40 जवानों की शहादत पर पूरा देश मातम में डूबा है लेकिन एक और वीर अपने कर्तव्य पथ पर जान कुर्बान कर गया। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, रुके भी कैसे। जान की बाजी लगाने वाले मेजर चित्रेश विष्ट अपनी खुशियों को समेटे सरहद पर अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे थे और उन्होंने अपने फर्ज के आगे जान की परवाह तक नहीं की। महज 18 दिन बाद मेजर चित्रेश विष्ट की शादी थी। 7 मार्च को वो जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। शादी का कार्ड भी छप चुका था, तारीख तय हो चुकी थी। मेजर बेटा बॉर्डर पर देश की मिट्टी से किया वादा निभा रहा था तो घर वाले बेटे की शादी की तैयारियों में जुटे थे। चित्रेश भी चंद रोज बाद छुट्टियां लेकर घर आने वाले थे लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी विस्फोटक को डिफ्यूज करने के दौरान धमाका हो गया जिसमें मेजर चित्रेश की जान चली गई। एलओसी से 1.5 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में आतंकियों ने आईईडी विस्फोटक लगाए थे, उसे ही नष्ट करने के दौरान मेजर चित्रेश को शहादत देनी पड़ी। बच्चे की ये आने वाली 7 मार्च को शादी थी तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम उस परिवार को सांत्वना देते हैं कि वो सहने की शक्ति दे भगवान उनको। देहरादून के लाल मेजर चित्रेश 2010 में IMA से पास हुए थे।
महज 8 साल में ही मेजर चित्रेश ने अपनी तकनीकी सूझबूझ और जाबाजी कौशल का परिचय दिया। अब उनकी दिलेरी को याद कर हर कोई गमगीन है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून आज तक। के लाम झंगड़ इलाके के सरैया क्षेत्र में लगाई गई थी आईडी, जिसे डिफ्यूज करते समय मेजर चित्रेश ने शहीद हो गए। मेजर चित्रेश और ये तस्वीरें, आखिरी विदाई उनको दी जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्सा भी है लोगों में, परिवार इंतजार कर रहा था कि बेटा आएगा, क्योंकि 17 दिन बाद उनकी शादी थी, शादी के कार्ड छप चुके थे, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल परिवार में और पूरे रिश्तेदार जो भी घर पहुँच रहे, एक तरीके से मातम का माहौल है। नारेबाजी हो रही है, यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए, 21 GR में तैनात थे मेजर बिष्ट, और 15 अगस्त को चित्रेश ने ही 15 से 18 ID डिफ्यूज किए थे। आपको बताएं कि फिलहाल ये तस्वीरें वही की हैं। तो शहीदों की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें नौशहरा सेक्टर की, जहां पर मेजर चित्रेश को अंतिम विदाई दी जा रही है। 7 मार्च को मेजर चित्रेश की शादी थी। आपको बताएं कि LOC के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट शहीद हो गए। 7 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी, कार्ड छप चुके थे, परिवार इंतजार कर रहा था बेटे का, तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अंतिम विदाई नौशेरा में मेजर चित्रेश को कल शहीद हो गए थे। आईडी डिफ्यूज करते समय वो शहीद हो गए। IMA देहरादून 2010 से पास आउट थे। उनके पिता SS बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत के रहने वाले हैं। 7 मार्च को मेजर चित्रेश की शादी थी, पिता कार्ड बांट रहे थे, लेकिन अचानक उनकी शहादत की खबर आई। नौशहरा में श्रद्धांजलि दी जा रही है मेजर चित्रेश को। वहीं आप